जहां एक तरफ कोरोना अपना कहर दुनिया भर में बरसा रहा है, वहीं पूरा देश ऑक्सीजन की किल्लत से भी जूझ रहा है। जहां तहां से ऑक्सीजन की कमी के चलते मौतों की खबरें भी आपको विचलित कर दे रही हैं, वहीं जनता के लिए एक राहत की खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से है, जहां पर सदर विधायक पंकज गुप्ता ने ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए कमर कस ली है। जो कोरोना संक्रमण से कल ही ठीक हुए हैं, विधायक ने आज उन्नाव स्थित अपने कार्यालय से 35 सिलेंडर से भरा हुआ एक टेम्पो हमीरपुर के भरुआ सुमेरपुर के लिए रवाना किया, जहां से रिफिलिंग होकर ये सिलेंडर उन्नाव की जनता को मुहैया कराए जाएंगे। आपको बता दें, उन्नाव में ऑक्सीजन की कमी ना हो इसलिए सदर विधायक पंकज गुप्ता ने आज अपने निजी संसाधनों से 35 ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे कर टेम्पो में लोड कराकर हमीरपुर के भरुआ सुमेरपुर ऑक्सीजन प्लांट के लिए रवाना कर दिए हैं, जहां से उन्हें निशुल्क ऑक्सीजन मुहैया कराने का आश्वासन दिया गया है। विधायक जी ने यह भी बताया कि अब उन्नाव के किसी भी व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं होगी। यदि किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता होती है तो उसको वह मुझसे संपर्क कर सकता है, उसे हर संभव प्रयास पर ऑक्सीजन की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। उन्नाव के क्षेत्रवासियों के लिए कहीं ना कहीं यह राहत की बात है। बड़े विकट रूप में हम लोगों के सामने है। अभी हमारे भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, कल ही निगेटिव हुए हैं। सबसे ज़्यादा मांग इस समय ऑक्सीजन की चल रही है। कमोवेश ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत सारी घटनाएं भी सुनने को रोज़ मिल रही हैं। हमने अपने कुछ मित्रों से बात की और सिलेंडर की भी व्यवस्था की है। एक उद्योगपति हैं, हमारे मित्र हैं, उनके ऑक्सीजन का प्लांट है भरुआ सुमेरपुर में। उन्होंने निःशुल्क ऑक्सीजन देने की हमको एक प्रकार से सहमति प्रदान कर दी है। आज से हम स्वयं प्रयास करके व्यक्तिगत स्तर पर वहाँ से ऑक्सीजन लाके लोकल लेवल पर जिनको भी आवश्यकता है उनको निःशुल्क ऑक्सीजन पहुँचाने का प्रयास करेंगे। जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा इस संक्रमण की लड़ाई में हम सब मिलकर लड़े और इसके प्रति लोगों में जागरूकता जरूर पैदा हो। अभी भी हालात नियंत्रण से बाहर है, मैं कह सकता हूँ, इसलिए हम सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है, तभी कोरोना पर हम लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।